हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लॉन्ग शॉक की आइडिया शेयर करना चाहती हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लुक नंबर वन की। तो ये जो लुक है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये क्रॉप टॉप है, नीचे लहंगा है, उसके साथ इस तरीके का लॉन्ग श्रग स्लीवलेस आप कैरी कर सकते हैं। आप प्लाजोज और क्रॉप टॉप के साथ इस तरीके का फ्लोई बहुत ज़्यादा घेरे वाला फुल स्लीव का भी श्रग कैरी कर सकते हैं। श्रग एक ऐसा आउटफिट होता है जो हर किसी पैरअप के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम मैं बात करूंगी लुक नंबर टू की। तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्यूलिप पैंट एंड धोती शलवार का फैशन है, तो उसके साथ भी आप श्रग कैरी कर सकते हैं। आप जॉर्जेट में बनाइए, नेट में बनाइए, क्रेप में बनाइए, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो कुछ इस तरीके का भी श्रग आप अपने आउटफिट में कैरी कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ लुक नंबर क्योंकि अगेन, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का फुल धोती ड्रेस के साथ भी आप श्रग इजीली कैरी कर सकते हैं। अब है ये लुक नंबर थ्री। तो ये लहंगे के साथ ये पीछे कलर का एम्ब्रॉयडरी फुल स्लीव जो श्रग है वो कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। हल्की सी पोटली का वर्क किया गया है साइड में, और ये जो लुक है वो आप अपनी फ्रेंड की वेडिंग या इंगेजमेंट फंक्शन के लिए परफेक्ट है। तो आप इस तरीके का लुक भी अपने लिए कैरी कर सकते हैं। लुक नंबर फोर भी जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है लुक नंबर थ्री से। लहंगा है एंड ब्लाउज है, हेवी ब्लाउज एंड फ्लोरल और रफल स्लीव का ये श्रग जो इसके साथ कैरी किया गया है, इस लहंगे के आउटफिट को बहुत ज़्यादा कूल डाउन कर रहा है। और अब इसमें ज़्यादा ऐसे ग्लिटरी नहीं लगेंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो कुछ इस तरीके का भी आप चाहें तो श्रग को कैरी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी लुक नंबर फोर की। तो ये जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लुक है। अगर आपके पास गोल्डन कलर का शलवार कमीज़ है, पैंट है, और आप उसको डिफरेंट लुक देखना चाहते हैं, और आपके पास बनारसी साड़ी है या क्रेप ब्रोकेट का कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप इस तरीके का श्रग बना लीजिए एंड उसे वेयर पैरअप कर लीजिए। तो ये आपका जो शलवार और पैंट होगा उसके साथ ये बहुत अच्छा जचेगा और एकदम डिफरेंट लुक देगा, बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं बात करूँगी ये लुक नंबर सिक्स की। तो इस तरीके का रफल श्रग भी आप अपने गाउन के साथ पैरअप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप नेक का फैब्रिक यूज़ कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटेड साड़ी है, प्रिंटेड साड़ी से भी कई सब इस तरीके का श्रग आराम से कैरी कर सकते हैं, बना सकते हैं। टेलर से बनवाइए अगर आपको सिलाई नहीं आती है, या यूट्यूब के किसी ट्यूटोरियल को देखकर आप इसके साथ बना भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये रहा बात लुक नंबर सिक्स की। अब मैं बात करूँगी लुक नंबर सेवन की। तो ये जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल क्यूट सा लुक है। ये क्रॉप टॉप के साथ अटैच श्रग है विथ प्लाजो। ये बहुत ज़्यादा, ये मेरे चैनल पे इसका ट्यूटोरियल है कि आप इसको किस तरीके से बना भी सकते हो, तो आप ज़रूर जाके वहाँ चेक कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके का जो लुक है। आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आप बना सकते हैं, आपकी न्यूली मैरिड है तो आप इस तरीके का लुक क्रिएट करके जा सकते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये रहा लुक नंबर सेवन। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा हो। अब मैं बात करूँगी लुक नंबर एट की। तो अगेन आप श्रग को रिप जेनिम के साथ भी कैरी कर सकते हो। ये जो लुक है काफ़ी अच्छा लुक है, काफ़ी क्यूट सा लुक है कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। अगर आप टीनेज हो तो आप उसके साथ बहुत ईजीली कैरी कर सकते हो। इस तरीके का रफल श्रग विद डेनिम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके बहुत सारे आइडियाज़ हैं। इस तरीके का पैन, क्रॉप टॉप एंड कॉटन का श्रग भी आप कॉलेज वेयर में कर सकते हैं। आप घर में पहनिए, घर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके का आउटफिट बना के पहन लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब है लुक नंबर नाइन। तो ये भी लुक है, आप शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं तो उसके साथ अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप श्रग भी कैरी कर सकते हैं। यू नो, कभी श्रग कभी आउट ऑफ श्रग, तो एकदम अलग ही लगता है। शॉर्ट ड्रेस में भी श्रग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप इसमें फ्लोरल है, आप प्लेन ट्राई कीजिए, आप कलरफुल ट्राई कीजिए, आप बेसिक ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा स्मार्ट ये आउटफिट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन दें तो उसके साथ श्रग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लासी, रॉयल और स्मार्ट लगता है। अब ये हाँ मेरा लास्ट लुक, ये मेरा फेवरेट लुक है।
ये चिकनकारी का यू नो ये है मटेरियल के साथ ये श्रग बनाया गया है जो डेनिम ऑन क्रॉप टॉप के साथ काफ़ी रिच लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। तो चिकनकारी मटेरियल अगर आपके पास है या आपकी मामा के पास कोई पुरानी साड़ी या दुपट्टा है तो उसकी हेल्प से आप ये श्रग बना लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसमें ज़रूर बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो ये रहा मेरे सारे लुक्स, अगर आपको ये सारे लुक्स पसंद आए तो गाइज़ प्लीज़ लाइक कीजिए यार, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए एंड आइडियाज़ दीजिए कि मैं आपके लिए किस तरीके के आइडियाज़ लेकर आऊँ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम।